मेरे प्रिय साधकों और शिष्यों, आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। अंग्रेजी का यह नया साल 2021 प्रारंभ हो गया है। इस वर्ष आपसे पहली बार इस माध्यम से भेंट मुलाकात हो रही है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। इतना तो निश्चित है कि 2020 की अपेक्षा यह वर्ष निश्चित रूप से कल्याणकारी और मंगलप्रद होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अभी आपने मकर संक्रांति का महापर्व संपन्न किया, मालूम है कि भगवान सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। और मुझे समाचार प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, आप सब ने स्थान स्थान पर यज्ञ किया, सामूहिक गुरु मंत्र का जप किया, बहुत अच्छा अच्छा आयोजन किया, क्योंकि इस दिन से ही शुभ कार्यों का शुभारंभ होता है। और इसलिए इस दिवस को, मकर संक्रांति को, देव दिवस कहा जाता है। अब शुभ कार्य प्रारंभ करें, आपके जीवन में भी शुभ कार्य हों, खुशी निरंतर आती रहे, प्रकाश हो, यह मेरा आशीर्वाद है। पर आज मैं आपसे एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। कोई विषय कोई बहुत अनूठा नहीं है, आप रोज इस विषय के बारे में और इस विषय का उपयोग अपने जीवन में करते हो, लेकिन इस विषय में कितनी शक्ति है, इससे आप, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा अनभिज्ञ हो। इसलिए इस पर आज विशेष रूप से विचार करते हैं। और यह विशेष शक्ति है चुनाव की। चुनाव वो इलेक्शन नहीं, जीवन के संबंध में कुछ विषयों का चुनाव। तो 2021 में आपको विचार करना है कि आप अपने जीवन में किन विषयों का चुनाव करते हैं, और यह आपको निर्णय लेना है। और आप क्या निर्णय ले रहे हो, मैं भी जानना चाहता हूं। तो आज मैं अपनी बात आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा। देखो भाई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पर इस जीवन में जो कुछ घट रहा है ना, जो कुछ घट रहा है, यदि मैं स्पष्ट कहूं तो ये आपका चुनाव है। सुख है, दुख है, सफलता है, विफलता है, उदासी है, ये क्या है कि मनुष्य का व्यक्तिगत चुनाव होता है। आपको लगता है कि ये बात ऐसी कैसे, कोई सुख का दुख का चयन कैसे कर सकता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में चुनाव स्वयं करता है, और चुनाव के परिणाम के स्वरूप ही उसके जीवन में फल का निर्धारण होता है। मैं आज आपसे स्पष्ट रूप से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, चुनाव आपको करना है। पहला प्रश्न है कि ज्ञान और धन के बीच में आप किसको चुनोगे, ठीक है, याद रखना। दूसरा प्रश्न है धन और यश के बीच में आप क्या चुनेंगे। तीसरा है यश और सत्य के बीच में चुनाव करना होगा तो आप क्या चुनाव करोगे। आगे है कि सत्य और धर्म के बारे में यदि बीच में आपको चुनना है तो आप क्या चुनोगे। अब धर्म और सद्भावना के बीच में चुनना है तो आप क्या चुनोगे। अगला मेरा प्रश्न है कि सद्भावना और सेवा के बीच में चुनना है तो आप क्या चुनोगे। चलो एक एक करके, अब क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का एकदम सही सटीक उत्तर तो प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ये यक्ष प्रश्न है। हर बार जीवन में हर क्षण कई बार आपके सामने आकर खड़े होंगे। अब आपने सही उत्तर चुन लिया तो आप सुख शांति और संपन्नता की अमृत धारा आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगी। अब देखो, जिसने जीवन के इन प्रश्नों की गुत्थी को सुलझा दिया ना, उस वह जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद भाव से जिएगा और जिएगा।
वह जीवन का उपयोग कर रहा है। चलो अब मैं पहेलियां नहीं बुझाता हूं, पहला प्रश्न पूछता हूं कि ज्ञान और धन, ज्ञान और धन दोनों में से यदि एक को चुनना होगा तो आप क्या चुनोगे? मेरा विचार है कि ज्ञान और धन के बीच में ज्ञान श्रेष्ठ है ना, क्योंकि जहां ज्ञान होता है ना वहां धन तो अपने आप आ ही जाता है। धन की चिंता मत करो, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप क्या है? बुद्धि, मति, श्री, कौशल। आपने भी बहुत कथाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं कि दानवों ने अमृत पाने के लिए कई प्रकार की युक्तियां लगाई और देवताओं ने उन सब युक्तियों को दत्ता बता दिया, क्योंकि देवताओं के पास, देवों के पास ज्ञान और बुद्धि थी और बुद्धि का प्रयोग कर हमेशा जीत प्राप्त करते रहे। तो मैं आज गुरु रूप में ये स्पष्ट कह रहा हूं कि जब भी आपको जीवन में ज्ञान और धन इसके बीच में चुनना पड़े तो आप निश्चित रूप से ज्ञान को ही चुने, क्योंकि ज्ञान वह उर्वर भूमि है, उपजाऊ भूमि है, जहां धन अपने आप पनप जाता है। आपके जीवन में ज्ञान कहूं ना तो कल्पतरु कल्प वृक्ष है, जो कल्पतरु आपके जीवन का कल्प वृक्ष क्या है? ज्ञान है। इसलिए सिद्ध्याश्रम को क्या कहा गया है? ज्ञानगंज, क्योंकि जो ज्ञान से युक्त है वही सिद्ध है, सिद्धाश्रम है। अब अगला प्रश्न, धन और यश के बीच में चयन करना पड़े, चुनाव करना पड़े तो आप क्या चयन करोगे? देखो भाई मेरी बात सुनो, धन और यश के बीच में यश का पलड़ा भारी है, इसीलिए देवताओं ने भी यश को प्राथमिकता दी। यश अर्थात मान। हमारे आराध्य कौन है? भगवान राम। भगवान राम ने भी किसको प्राथमिकता दी? अब राज तिलक होने वाला था लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मान रखने के लिए वनवास चले गए। तो जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? यश, मान और इज्जत। आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि बहुत ध्यान रखना, छोटे मोटे मुनाफे के लिए अपने मान को कभी नुकसान मत पहुंचा देना। मान सम्मान से युक्त व्यक्ति को ही क्या कहा गया है? श्रीमान। श्री और लक्ष्मी किसके पास आती है? श्रीमान बनना है, लक्ष्मीवान बनना है तो उसके लिए भी मान सम्मान से युक्त होना अनिवार्य है। अब आप उदाहरण अपने आसपास ही ले लो, जिसने धन को छोड़कर, धन को पकड़ा है और यश को छोड़ा है वह जीवन में अंततः दुखी हुआ है। इसलिए चुनाव करना है, अब चुनाव ही करना है तो ऐश्वर्य का करें कि हे ईश्वर मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो, क्योंकि ऐश्वर्य में धन और यश दोनों प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, कर्ण था, प्रतापी था, मान धनुर्धर था, उसने क्या किया? धन का साथ दिया। अब यदि आज सोचो कि कर्ण यदि पांडवों का साथ देता तो उस कर्ण जैसे मान धनुर्धर की ख्याति आज कितनी होती। इसलिए धन और यश के बीच में चयन करना हो तो मेरी आपको सलाह है कि आप हमेशा यश को प्राथमिकता दें। ठीक है, दो प्रश्नों का तो समाधान मेरे विचार से दे दिया। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि यश और सत्य के बीच में चयन करना पड़े तो किसका चयन करोगे? किसमें? यश और सत्य। अब क्या है, ज्यादातर तो यश और सत्य साथ साथ चलते हैं। जहां सत्य है वहां यश है, जहां यश है
वहां सत्य है, लेकिन कई बार चुनाव करना पड़ जाता है। तो मेरी सलाह है कि सत्य को चुनना, ये थोड़ा भयावह हो सकता है, कठोर हो सकता है। बृहदारण्यक हमारे उपनिषद में सत्य की व्याख्या आई है, इसमें कहा गया है कि तीन अक्षर वाला सत्य, इसमें स और य स्वर रहित है, अविनाशी है, और बीच का अक्षर त विनाशी है। यह सत्य की तरह प्रतीत होता है लेकिन सत्य नहीं है। बहुत गूढ़ बात है लेकिन मैं प्रयास करता हूं समझाने का। अब यह जगत सत्य है लेकिन सत्य नहीं। इस जगत को मनुष्य ने और ब्रह्म ने जकड़ रखा है, इसलिए जगत सत्य प्रतीत होता है। मैं अपनी बात समझाता हूं। एक कथा है, बहुत अच्छी कथा है, आई थी, मैंने पढ़ी, किसी पुराण में ही आई है, कि एक राजा का पुत्र था, एकमात्र, बीमार पड़ गया। और बीमार क्या, भयंकर बीमार पड़ गया। राजा चिंतित, रानी चिंतित, राजवैद्य उसका इलाज कर रहे थे और ऐसा लगा कि ठीक नहीं हो पाएगा, निराश हताश सब हो रहे थे। कई रातों से जागे हुए थे, राजा को नींद आ गई। नींद आई, स्वप्न में देखा कि एक महामारी आई और उसके एक एक कर 10 पुत्र चले गए। एकदम आंख खुली, राज्य वैद्य ने कहा, महाराज ऐसा लगता है कि आपके पुत्र शायद ठीक हो जाएंगे, थोड़ा अच्छे समाचार दिख रहे हैं। राजा एकदम शांत निशब्द, कोई भाव ही नहीं। रानी ने कहा, महाराज अच्छा समाचार है, आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? उसने कहा, मैं किसके लिए रोऊं, किसके लिए प्रसन्न हूं, मेरे 10 पुत्र चले गए, क्या वह सत्य है या यह सत्य है? राजा क्या कह रहा है, वह सत्य है जो स्वप्न में देखा, वह सत्य है या यह सत्य है? तो इस जगत का भाई यही सत्य है, जो दिख रहा है और जो स्वप्नवत है, क्या सत्य है? अब प्रश्न है मेरा, यश और सत्य के बीच में चुनना हो तो किसे चुनेंगे? अब क्या है कि ये बहुत गंभीर प्रश्न है। हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग होता है। तुम्हारा सत्य, मैं कह रहा हूं, तुम्हारा सत्य किसी दूसरे व्यक्ति के सत्य से बढ़कर है। आपका जो सत्य है, जिसे आप सत्य मानते हैं, वही सत्य है। मैं बात आपको बता दूं, महाभारत की कथा का एक उदाहरण देता हूं। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर में अर्जुन ने बाण चलाया और द्रौपदी का वरण किया, मतलब घर ले आए, पांडव घर ले आए। कुंती ने क्या कहा, सब भाई आपस में बांट लो। अब कुंती के इस वचन के कारण द्रौपदी का वरण पांचों पांडवों से हो गया। अब देखो, कुंती का सत्य और द्रौपदी का सत्य में मतभेद है। द्रौपदी ने तो पांचों से शादी नहीं की थी, लेकिन इसी प्रकार सत्य अलग अलग हो सकता है। तो आज 2021 में मेरा आपको सलाह है कि आप अपने सत्य को महत्व दो। आपका सत्य आपके लिए किसी दूसरे के यश से अधिक महत्वपूर्ण है। लोग क्या कहेंगे,
अरे जिसको आप सत्य मानते हो सत्य के मार्ग पर चले चलो, अपने सत्य पर आप ध्यान देने लगोगे ना तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा। और जब एक बार ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है, चाहे 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, तो सारे जीवन के रहस्य अपने आप खुलने लग जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहती। ठीक है, तो आपका सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं कि सत्य और धर्म के बीच में चयन करना हो तो भैया किसका चयन करोगे? अब निश्चित रूप से धर्म का चयन करना है। धर्म ज्येष्ठ है, धर्म सबको देख रहा है, उसे भी देख रहा है जो उसको नहीं देख पाता है। जिसने अपने जीवन में धर्म को चुन लिया उसके लिए धन यश मान सत्य सब सुलभ हो जाता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक ययाति की कथा आती है कि ययाति ने तपोबल बहुत तप किया, 1000 वर्ष तप करके उन्हें इंद्रलोक में स्थान प्राप्त हुआ। पर विडंबना यह है कि अनजाने में निंदा के कारण उनका स्वर्ग अर्थात इंद्रलोक से पतन हो गया। ययाति ने जानबूझ करके किसी की निंदा नहीं की थी, बस उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया। उनका यह अहंकार ही उनके आड़े आ गया। हुआ यह था कि इंद्र ने जानबूझकर ययाति से पूछा कि ये राजन तपोबल में आप किसके समान हैं? अब ययाति ने क्या जवाब दिया कि हे इंद्र, मैं देवताओं मनुष्यों गंधर्वों और महर्षियों में किसी को ऐसा नहीं देख रहा हूं जो कि तपोबल में मुझसे श्रेष्ठ हो। मेरा तपोबल अद्वितीय है। इंद्र ने कहा, महाराज सबके तपोबल के बारे में आप जानते नहीं, बिना जाने आपने देवताओं मनुष्यों गंधर्वों ऋषियों महर्षियों की उनके जो उन्होंने जो तप किया उसका आपने तिरस्कार किया है। इसके कारण से आपके पुण्य क्षीण हो गए हैं और आप इंद्रलोक से नीचे गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। अब ययाति ने सुना तो उसको दुख तो हुआ, लेकिन उसने कहा कि हे इंद्र, अहंकार वश मेरा पतन हो रहा है, मैंने बड़ी ही तप से यह स्थान प्राप्त किया था, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मैं गिरूं तो ऐसे स्थान पर गिरूं जहां विद्वान रहते हों, विद्वानों के बीच गिरूं, जिससे कि मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकूं। क्योंकि ययाति को मालूम था कि वे ज्ञानी और विद्वान पुरुषों के पास रहेंगे तो उन्हें ज्ञान प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जाएगी और उन्हें पुनः इंद्रलोक जाने का मार्ग मिल जाएगा। मैं समझाता हूं ज्ञान का क्या अर्थ है। ज्ञान का अर्थ है अपने मन शरीर में गुणों को धारण करना, सदैव शिष्यवत भाव में रहना अर्थात सीखने का भाव रखना। और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है और सरस्वती ही ज्ञान ही जगत का आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत सत्य है। और देवी सरस्वती ने इस जगत को अपने ज्ञान के कारण ज्ञान स्वरूपा है, उन्होंने धारण किया है। तो मेरी आपको यह सलाह है कि आप विद्या ज्ञान सदैव आपके हृदय में स्थापित रहे। सरस्वती अर्थात ज्ञान सदैव रहे और ये भावना हर समय रखें कि मुझे सीखना है, मैं शिष्य हूं, शिष्यवत भाव से इस जगत में रहना है।
अब अगला प्रश्न क्या था, सोचने देना एक सेकेंड। हाँ, धर्म और सद्भावना के बीच में चुनाव करना पड़े तो किसको चुनोगे भैया? ये प्रश्न थोड़ा गूढ़ है, क्योंकि धर्म और सद्भावना साथ साथ चलते हैं, जुड़े हुए हैं। फिर भी कहा जाए कि धर्म और सद्भावना के बीच में चयन करना है तो आप लोग कोशिश करना कि सद्भावना को चुने। सद्भावना अर्थात शुद्ध भावना, और सद्भावना जिस व्यक्ति में, साधक में रहती है, देवता भी उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि वेद वाक्य है, देवा रक्षन्ति तम नित्यम यस्य शादी मलम मन, के जिसका मन निर्मल है, जो सत्य भावना से युक्त है, देवता भी उसकी रक्षा करते हैं, उससे सहयोग देते हैं। सद्भावना, सत्य भावना वैदिक धर्म का प्रकाश पुंज है, इसके आलोक में धर्म समरता है, सद्भावना से धर्म समरता है। तो सद्भावना को बहुत मजबूती से पकड़े रखे, जो सद्भावना से युक्त है वह धार्मिक है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो सद्भावना से युक्त है वह धर्म से युक्त है। इसलिए यह जीवन सत्य है। इस जीवन में जो सद्भावना से युक्त है, सत्य से युक्त है, धर्म से युक्त है, आप समझिए कि वह इस जीवन में ब्रह्मलोक में रह रहा है। और जहां सद्भावना होती है, क्योंकि अब सद्भावना और सेवा का एक पॉइंट और है, तो जहां सद्भावना रहती है वहां सेवा का तत्व तो अपने आप आ जाता है। सबसे उच्चतम स्तर है सेवा, क्योंकि सद्भावना का अंदर तो बहुत सद्भावना है, उस सद्भावना का क्रिया स्वरूप क्या है? सेवा। जिस व्यक्ति के मन में ईश्वर सेवा, समाज के प्रति सेवा, गुरु सेवा, मातृ पितृ सेवा, दीन दुखियों की सेवा, ये सब भावना रहती है, सेवा कार्य वह कर रहा है, इसका मतलब है कि वह अपनी सद्भावनाओं को, अपने सत्य को, अपने धर्म को प्रकट कर रहा है। मैं कहता हूं कि वह व्यक्ति ही देवतुल्य है, ऋषि है, और वह श्रेष्ठतम है, मान सम्मान से युक्त है। इसलिए कहा गया है सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। अब इसमें कहीं विचलित होने की आवश्यकता नहीं, आप इस जीवन का लक्ष्य आपका कोई भी हो, सारे मार्ग किस सीढ़ी से चढ़ते हैं, लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, वो मार्ग है ज्ञान यश, यश से अगला मार्ग है सत्य, सत्य से अगली सीढ़ी है धर्म, धर्म से अगली सीढ़ी है सद्भावना, और सद्भावना से अगली सीढ़ी है सेवा। इस मार्ग पर चलने से आपको जीवन का लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है, और मैं कहता हूं कि यही परम तत्व है। ज्ञान का मार्ग ही सर्व आलोकित मार्ग है, जिसके अंदर आपको प्रकाश निरंतर निरंतर मिलता रहता है, आप कहीं भटकते ही नहीं हो। यदि आप ज्ञान मार्ग पर चलते रहते हैं, कोई घबराहट नहीं होती, कोई भ्रांति नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई विभ्रम की स्थिति नहीं आती है, कोई अहंकार नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग सत्य का मार्ग है, और जो सत्य का मार्ग है वह धर्म का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है वह तप का मार्ग है। तो आप आज मेरी सलाह है कि हम चुनाव करें और जीवन को इस प्रकार से आलोकित करें कि हमारा चयन, हर बार ये यक्ष प्रश्न आपके सामने आएगा तो विचार करें कि मुझे किस मार्ग पर चलना है, ज्ञान, ज्ञान के पश्चात दूसरा मार्ग है आपका कि मुझे यश प्राप्त हो,
और यश ऐसा हो कि मैं सत्य का आचरण करूं और सत्य का आचरण ऐसा करूं कि मैं धर्म से युक्त रहूं और ऐसा धर्म कि मेरे भीतर सर्वजन सद्भावना हो और सद्भावना को मैं सेवा रूप में प्रकट करूं, क्रिया करूं। आप और मैं मिलेंगे, अब तो मिलने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी, शिविर भी होंगे, खूब मस्ती से आपस में मिलेंगे, आप मेरे पास आओगे, मैं आपके पास आऊंगा, आपका और मेरा मिलन ज्ञान मार्ग है, सत्य मार्ग है, धर्म मार्ग है, सद्भावना और सेवा का मार्ग है। और मुझे तो गर्व है कि पूरे भारतवर्ष में, नेपाल में आप सभी शिष्य पिछले एक साल से नहीं, मैं तो कई कई वर्षों से देख रहा हूं, पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूं कि आप उच्चतम मार्ग है सेवा मार्ग, उस सेवा मार्ग पर चलते हुए सेवा भाव से क्रिया कर रहे हैं। नित्य यज्ञ होते हैं, पूजा होती है, साधनाएं होती है, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है, हर महीने 21 तारीख को आप सामूहिक पूजन करते हैं, यह क्रम अविरल चलता रहे, हम करते रहें, आगे हमारी संतानें करती रहे, आगे उनकी संतानें करती रहे, गुरु ज्ञान की यह गंगा अविरल 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 प्रवाहमान रहे, प्रवाहमान रहे, सतत प्रवाह रहे, यही आप सबको मेरा आशीर्वाद है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शीघ्र ही मिलेंगे, गुरु और शिष्य का पुनः व्यक्तिगत मिलन होगा। हृदय से, मन से, सब से, मेरे रोम रोम से आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो।